फू डीज हाउ यू गाइज अ नान फॉर हेयर एट योर सर्विस और आई थिंक वी आर एक्सपीरियंसिंग समेक्निकल डिफ़िकल्टीज कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक द कनेक्शन इज़री स्लो सो आई डोट नो कि आप लोग ये ब्रॉडकास्ट क्लियरली देख पा रहे हैं या नहीं आप लोगों से गुजारिश है कि अपने कॉमेंट्स में प्लीज़ मुझे ये जाहिर कर दें या क्लियर कर दें कि आपको आवाज़ मेरी क्लियरली आ रही है या नहीं आई वुड रिली अप्रीशिएट दैट फ्रॉम यू सो आज का हमारा जो टॉपिक है आ, वो हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की आपने नोट किया हमने डी के ऊपर बात की वेट लॉस के ऊपर बात की हॉमोन इम्बेलेंस के ऊपर बात की और ये टॉपिक बार बार अपीयर होता रहा है इन सम वे और दी अदर इट केप्ट कमिंग अप और मेरी आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ फॉर योर सेक सिट थ्रू टिल दी एंड बिकॉज यू नो एज मच एज़ आई डू दैट ये जो स्ट्रेस के मामलत हैं ये हमारी जिंदगी को इसने कितना काबू कर लिया हुआ है लेकिन हम फिर भी इसको समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है और हमारे अंदर ये पेशेंसी नहीं है तो आई uh, कैन मैं गारंटी तो नहीं कर सकता बट आई कैन प्रोमिस यू दिस मच के इफ़ यू सिट थ्रू विद मी फ्राम स्टार्ट टू फिनिश आई विल ट द परस्पेक्टिव दैट एटलीस्ट इट विल गेट यू स्टार्ट ऑफ विद स्ट्रेस मैनेजमेंट और मैं बात शुरू करने से पहले अपनी स्टोरी दोबारा नरेट करना चाहूँगा इफ़ यू बिन विद मी थ्रू आउट दी सेशनस एक्वाफीना के सेशनस में तो आपने ये चीज़ नोट की होएगी कि आई बिन टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंसिस एंड वो एक्सपीरियंसिस को मैंशन करने का मकसद सिर्फ ये है कि इफ आई कैन डू दिस एंड आई यू नो आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ बिट ऑफ डाउट कि मैं पता नहीं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हर लाइव सेशन से पहले मुझे डाउट होता है तो जब मुझे एंग्जाइटी हुई और जब मैं उस प्रोसेस के अंदर अपने आप को मैंने पाया तो आई डेंट थिंक दैट आई वुड फॉलो थ्रू बट गॉड विलिंगली एंड विद द टूल्स दैट आई हैड एंड विद माई परसवेरेंस एंड पेशेंस दैट आई लर्न ओवर टाइम आई फिक्सड इट सो कहने का मकसद ये है इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू तो नाजरीन uh, आज का जो टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हम आठ चीजों में एट पॉइंट आई एम गु गि एंड दीज एट पॉइंट्स आई हैव डिस्टिल्ड फ्राम माई एक्सपीरियंस ये टेक्स्ट बुक आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है द जर्नी दैट आई हैव टेकन एंड द द पीपल दट आई हैव स्पोकन टू एंड एक्सपीरियंस दैट आई हैव लर्न फ्राम थिंग्स दैट रियली डू डिलीवर रिजल्ट तो स्ट्रेस के नुकसान क्या हैं हम इसके ऊपर तो शायद आ, बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं ये एक इट वुड बी आई थिंक दोबारा रिपीट करने की बात होगी आई एम प्रटी श्योर दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर के स्ट्रेस की इम्प्लिकेशनस क्या हैं हेल्थ और वेट लॉस की आई एम प्रटी श्योर दैट यू बिन है एंड यू नो वॉट दिस इज़ बट वॉट वी डोंट नो इज़ के वट टू डू अबाउट इट सो I want to spend as much time as I can on on, on 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 educating all of us on how to deal with with this problem. So let's deep dive in instantly without further ado. Eight points. Have. एंड देर ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट इन देयर वैल्यू यानी कि इसके अंदर रैंकिंग नहीं है कि नंबर वन वाला पॉइंट है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जो आखिरी वाला पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दे ऑल हैव देर ओन वैल्यू तो नाज्रीन हम ऐसी एक पहला पॉइंट जो है कि वो हमारी सोसाइटल और हमारी रिलेशनशिप से रिलेट करता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और जो हम आ, एक दूसरे के साथ मामला कर रहे होते हैं तो यू you नो know, हमारे ग्रजेस डिवेलप हो जाते हैं और वो ग्रजेस डिवेलप होते हैं बिटनेस क्रिएट होती है और उसकी वजह से हम एक दूसरे के के हमारे फासले बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो ये माइंड में रखें कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स वी आर सोशल एनिमल्स वी इवाल्व्ड एंड डिवेलप्ड विद द सोशल स्किल्स दैट वी हैव इम्प्रूव ओवर टाइम तो हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में है हमारी ज़िंदगी आइसोलेशन में नहीं है तो मेरा पॉइंट नंबर वन इस सोसाइटल सेंस से रिलेट करता है कि वी एज इंडिविजुअल्स नीड टू लर्न टू फेव अदर्स पहली चीज़ ये है मैंने स्ट्रेस के ऊपर बात शुरू करते हुए सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए वो पहला ये था क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे के लिए इतनी नफरत अपने अंदर पैदा की हुई है कि वो जो हेट्रेड uh, है ना they are literally like a bag of bricks that we are carrying on our backs wo kehte hain forgiveness is not for others it is for your own self to jab hum logon ke bare mein hatred aur bitterness aur grudges rakhte hain wo in essence wo hame hi andar se kha raha hota hai kyunki jiske bare mein हम hatred या जिसके बारे में judgments रख रहे होते हैं या जिसने हमारे साथ कोई मामला किया होता है उसको तो शायद ये पता भी नहीं है कि आप उसके बारे में बैठ कर सोच रहे हैं और आप अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं और आप अपने अंदर को अंदर ही अंदर खा रहे हैं और सो वो जो जो जहर है ना वो इंसान के अपने अंदर इकट्ठा ज़्यादा हो रहा होता है जिसके बारे में होता है जिसके लिए होता है उसको शायद इतना असर नहीं पड़ रहा होता तो समझने की बात यह है कि हमें हम हमने बात की थी आपको याद होएगा टॉक्सिफिकेशन की कि हमने डिटॉक्सिफाई कैसे करना है तो इन सो मैनी वेज़ दिस इज़ detoxifying your thoughts and your your thought process that और अब ये करके देखिएगा ये ये session ख़त्म होएगा ना तो make a list of the people that you hate and people who have done wrong and people who have been unfair and then it may be difficult but if you give it a little bit of practice then you will know कि जिस तरह इस तरह आप लोगों को forgive करना सीख रहे हैं ना तो उस तरह उस तरह आपके ऊपर से एक load हटता जा रहा है क्योंकि वो कहते हैं द द ऑपोजिट ऑफ लव इज़ नॉट हेट द ऑपोजिट ऑफ लव इज जस्ट डिसकनेक्शन यू डोंट फील एनी थिंग यू डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट इन योर वोकेबलरी एंड देयर जस्ट गॉन एंड वेन देअ जिस गॉन फ्राम योर लाइफ एंड योर योर एक्सपीरियंसिस उसने मेरे साथ ये कर दिया उसने मुझे ये कह दिया उसने मेरे साथ ये किया ये क्या है ये आप अपने आप को अंदर ही अंदर खा रहे हैं विदाउट यू रियलाइजिंग तो नाजरीन हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक तरह से मैं ये भी देखता हूँ लिब्रेशन फ्रीडम हाउ टू सेट योर सेल्फ फ्री फ्राम द थिंग्स दैट आर वेइंग यू डाउन स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये भी एक uh, uh, मतलब आप ले सकते हैं सो माई पॉइंट नंबर वन इज़ लर्न टू फिव पीपल फॉर योर ओन सेक नॉट फॉर दी अदर्स सेक ये बात भी नोट कर लें क्योंकि जब आप अगले के बारे में सोचते हैं कि मैं क्यों उसको माफ़ करूँ उसने तो मेरे साथ ये ज्यादती की है तो जो इस तरह सोचेंगे ना तो शायद आप इस प्रोसेस को कम्प्लीट नहीं कर सकेंगे आप इसका हक नहीं अदा कर सकेंगे तो फिवनेस इज़ फॉर योर ओन सेल्फ इट इज़ फॉर मी नॉट फॉर एनी बडी एल्स आई एम श्योर यू नो वी ऑल हैव पीपल दैट हैव डन रॉन्ग टू अस लोगों ने हमारे से ज्यादतियाँ की हुई हैं मैं भी आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ लेकिन मैं आपको ये बड़े पर्सनल लेवल पे एक बात आपके साथ हार्ट टू हार्ट करके कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली विदाउट टेकिंग नेम्स आई हैव लर्न टू फिगव दो पीपल एंड आई कैन गारंटी यू आई फील बेटर और ये अभी की बात नहीं है ये मैंने जब अपनी आप कह लें कि इनलाइटमेंट की जर्नी शुरू की थी तो उस वक्त मुझे ये Uh, बात जब मैंने सोच चीज़ के ऊपर सोच विचार किया दैन आई कंक्लूडेड कि दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू सो नाजरीन पॉइंट नंबर वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर लर्न टू फिगेव अदर्स फॉर योर ओन सेक नंबर टू ये भी हमारी रिलेशनशिप से रिलेट करता है कि वी नीड टू लर्न टू बी एम्पथिक वी नीड टू बी हमारे लिए इंसान के लिए ना सबसे आसान चीज़ जजमेंट पास करना है जो कि हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है कि हम हम तैयार बैठे हुए हैं हर बंदे के बारे में जजमेंट्स पास करने के लिए वो तो ऐसे है वो वैसे है हर बंदे को हमने एक ऐसे लेंस से देखना है कि जो हमारे स्टैंडर्ड पे उतरेगा तो ठीक है और अगर नहीं उतरेगा तो वो उसको लिए कोई ना कोई लेबल हमने तैयार किया हुआ है और एम्पथी सिंपली ये कहती है कि ट्राई टू बी इन दी अदर पर्सन शूज़ ट्राई टू थिंक दैट यू लर्न यू नो वट दे नो ट्राई टू बी इन द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम ट्राई टू बी इन द in the same predicament walk the walk that they are walking and then realize if you would have done things differently or ye ek itna liberating concept hai ke jab aap ye samajh जाते hain कि मैं logon ko judge nahi karunga aur jab samajh i want to uh, everybody is trying to be the best version of themselves and everybody is trying to do their best no matter how lowly you think of them तो एम्पति से इंसान अपने आप को फिर उस प्रॉब्लम से रिलीज़ कर लेता है क्योंकि जब आप देखें कि प्रॉब्लम्स आती कम है कि इंसान कोई ना कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कोई ना कोई चीज़ कह रहा था कि इसको ये नहीं करना चाहिए मतलब एनी इंटरपर्सनल इशू दैट कम्स अप इट हैज़ टू डू विद उसको ये करना चाहिए था या उसको ये नहीं करना चाहिए था या इसको इस तरह दिखना चाहिए था वट एवर वी हैव इन आर ओन माइंडस कंसिडरिंग आर ओन स्टैंडर्ड्स तो कहने का मकसद ये है वेन यू लेट पीपल बी एंड यू यू गिव दैम द मार्जिन और द बेनिफिट ऑफ द डाउट दैट दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट तो आपकी तबीयत के अंदर ना एक नरमी सी पैदा होनी शुरू हो जाती है और वो नरमी क्या है कि इट्स ओके यार दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट इट्स और ये एम्पथी भी जो है ना एक मसल है इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि जब आप इसको शुरू में प्रैक्टिस करेंगे ना तो काफ़ी जो नेगेटिविटी है ना वो ओवरकम करने की कोशिश करेगी क्योंकि हम ये चीज़ें देखते बड़े हुए हैं हम ये चीज़ें सुनते बड़े हुए हैं मुझे तो आ, आ, ये पता ही नहीं था कि एम्पथी होती क्या है मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता ये वर्ड भी नहीं पता था लेकिन करते 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 जब थोड़ा सा इन्लाइटमेंट की तरफ आया और मुझे थोड़ा बहुत ये अंडरस्टैंडिंग मिली तो जब मैंने ये प्रैक्टिस किया मैंने देखा कि यार इससे मैं खुद कितना लाइट फील कर रहा हूँ कि आई एम नॉट जजिंग पीपल आई एम ट्राइंग टू जाहिर बात इंसान है आई एम ट्राइंग टू लेट तेम Be where they are. I'm trying to let them. I'm. Not, I'm. Not, I am i i do not want to change anybody, because if I'm trying to change people, I'm exhausting myself. If I can change myself, that is a better way to go about it. So, दूसरा point मेरा relate karta empathy try to give people the margin that they are trying to do the best that they can. एंड लेट्स नॉट ट्राई टू जज दैम फॉर एवरी थिंग कि हमारा जो स्टैंडर्ड है या हमारे सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर उनको उतरना चाहिए तो ये मेरा दूसरा पॉइंट आ रहा है नाजरीन मेरा तीसरा पॉइंट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक गिव योर से मीन दैट लिटरली एंड आई मीन दैट फिगरेटिवली गिव योर सेल्फ अ ब्रेक फ्राम द द थिंग्स दैट यू डूंग ट्वेंटी फोर सेवन इस सेशन के बाद पाँच मिनट लगा के अपना ये अससमेंट करें तज्जिया करें कि मेरी जो चौबीस घंटे की ज़िंदगी है उसमें मैं अपने आप को कितना टाइम देता हूँ या कितना टाइम देती हूँ क्या मैं अपने लिए टाइम निकाल पाता हूँ क्या मैं अपने जो मेरी अपनी जो ज़रूरियात हैं क्या मैं उनको पूरा कर पाता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट की साइंस से बताती है कि पीपल हु डू नॉट गिव दम अ ब्रेक आर द वंस हु आर स्ट्रेस्ड आउट सो वॉट वी नीड टू डू इज आइडली अनप्लग आर एंड टेक आउट सम मोमेंट्स फॉर आर ओन सेल्व्स एंड वी नीड टू गिव आर सेल्वस द टाइम दैट वी नीड और इसका मतलब पता क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आप, 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 आप वीडियो सुनने और ये बात सुनने के बाद आप किसी कोने में जाकर अपना फ़ोन पकड़ के बैठ दें और सोशल मीडिया देखना शुरू कर दें इसका यह मतलब नहीं है इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करके थोड़ा सा बाहर निकल के इस दीवारी से बाहर निकल के थोड़ा सा आप सोच विचार करो थोड़ा सा अपने लिए टाइम दो थोड़ा सा जो अपने अंदर जो इतनी चीज़ें तुमने सीने में अपने दुबाई में हैं जिनको तुम सप्रेस करते हो जिन रियलिटीज़ को तुम कन्फ्रंट नहीं करना चाहते उनके साथ एक डिस्कशन शुरू करो उनके साथ एक डायलॉग शुरू करो बहुत से लोगों के साथ आप भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ मेरा तो काम यह है कि उन्होंने अपने आप को इतना सप्रेस किया होता है कि वो डिस्कशन अपने आप से करना ही नहीं चाहते दे आर जस्ट टर्निंग अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स देयर ओन नीड्स टूवर्ड्स रियालिटी टूवर्ड्स वॉट नीड्स टू बी डन सो गिव योर सेल्फ अ ब्रेक एक तो ये इसका मतलब है दूसरा इसका मतलब ये है कि हम लोगों के बारे में तो हमारा कंपैशन है शायद लोगों के बारे में हमारी एम्पथी भी है हम लोगों को मार्जिन भी देते हैं लेकिन हम अपने आप को मार्जिन नहीं देते मुझे ये बताएं कि वन वॉज द लास्ट टाइम आपने अपने आप को शाबाशी दी थी कि यू नो व्हाट यू ट्राइंग टू डू योर बेस्ट वन डिड यू वन वॉज द लास्ट टाइम यू डिड इट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात की और मैंने कहा कि वी नीड टू अप्रीशिएट आर सेल्व गिव योर सेल्फ अ ब्रेक एंड टेल योर सेल्फ कि यार कोशिश तो कर रहा हूँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो हर वक्त अपने आप को दुबई जा रहे हैं स्ट्रेच करी जा रहे हैं और रगड़ी जा रहे हैं अपने आप को ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि उस प्रोसेस के अंदर उनका अपना जो जो मेंटल, फिजिकल इमोशनल बैलेंस है वो कितना तबाह हो रहा है तो नाजरीन पॉइंट नंबर थ्री मेरा ये है गिव योर सेल्फ अ ब्रेक फिज़िकली मेंटली एंड इमोशनली पॉइंट नंबर फोर रियलाइज दैट स्ट्रेस विल ऑलवेज बी अराउंड अस देखें जो इंसान एक यूटोपियन माइंडसेट के साथ चल रहा है या छोटे छोटे मामला के ऊपर फ्लेयरअप हो रहा है तो ऐसे लोगों को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी के अंदर मामला होते हैं रिलेशनशिप्स हैं मियाँ बीवी हैं बच्चे हैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स तो हम आइडियलिस्टिक लाइफ के बारे में सोचें तो वो हम अपने आप को ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो जिंदगी है ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस भी है और अगर ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस ना हो तो मज़ा नहीं आता तो कहने का मकसद ये है स्ट्रेस इज़ नॉट अ बैड थिंग हमारी परसेप्शन अबाउट जो स्ट्रेस की जो परसेप्शन है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सिचुएशन में फंस गया हूँ और उस सिचुएशन के अंदर अगर मैं पैनिक कर रहा हूँ कि यार क्या होएगा, क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा किस तरह होएगा तो मैं अपने ऊपर उस प्रॉब्लम को हावी कर रहा हूँ और अगर मैं उसी प्रॉब्लम के अंदर अपना नज़रिया चेंज कर लेता हूँ मैं कहता हूँ कि यार अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ये हो गया है तो दिस गॉट बी ए बेटर वे या थोड़ा सा वेट कर लो मिसाल के तौर तो पर uh, नो ए, 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 एक एक दफ़ा एक पॉइंट आया छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ मेरी uh, मैं गा, गाड़ी चला रहा था राउंड अबाउट पर था uh, गाड़ी लग गई और वो गाड़ी ऐसे लगी कि वो बंदे ने पीछे से आके यू नो ही हिट माई कार अब uh, हुआ ये कि जो ड्राइविंग uh, का रूल है जो पीछे से गाड़ी मारता है तो यू you नो know, मैंने उसको फिर चेस किया मैंने रोका और गाड़ी रोक के फिर बड़े हमने डिस्कशन की इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग मैंने उनसे सिर्फ ये बात की मैंने कहा जी आप मुझे ये बता दें अगर तो आप समझते हैं कि ये गलती मेरी थी क्योंकि मैं ब्लेम गेम यहाँ पे नहीं करना चाह रहा अगर आप समझते हैं कि ये मेरी गलती है तो मैं यहाँ से चुप करके चला जाऊँगा आप सच ये ये समझ के और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात मुझे बताएं कि किसकी गलती थी गेस वॉट आई कुड नॉट बिलीव द पर्सन सेड मैं पहले तो भागा था गाड़ी मार के लेकिन आपके रवैये ने आपके जिस तरीके से आपने मुझे अप्रोच किया आई रियलाइज़ कि वो मेरी गलती थी मैंने वहीं पे ही बात को ख़त्म किया मैंने कहा जी आपने कोई कॉम्पनसेट नहीं करना आपसे ग़लती होगी आपने जानबूझ के नहीं मारी वो बात ख़त्म होगी यही अगर चीज़ होती कि मैं उसको रो, रोकता और कहता जी तेरी ऐसी तेरी क्या फ़ायदा उस चीज़ का तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार है कि ज़िंदगी के अंदर मामला आते हैं और वन नीड्स टू बी prepared, वन नीड्स टू नो के ज़िंदगी के अंदर अप्स एंड downs आएंगे आज मैं एक बड़ा अच्छा एक ई आई हुई थी उसके अंदर वो बता रहे थे कि बच्चों को प्रिपेयर करो जिंदगी के लिए बच्चों को आई मीन आई नो इफ़ यू हैव एंड आई एम श्योर यू कैन रिलेट बच्चों को आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करो क्योंकि ज़िंदगी में आगे मसाइल आने हैं उनको इतना बंद करके मत रखो कि वो जब बाहर दुनिया को फेस करें तो उनको पता ही ना हो और वो हाथ पाँव उनके फूल जाएँ तो बड़ी अच्छी बात थी तो मैंने फिर वो अपने लोगों के साथ भी शेयर किया उनको मैंने ये बताया मैंने कहा देखो कितनी अच्छी बात है कि हम हर वक्त बच्चों को प्रोटेक्ट करके रख रहे होते हैं हाई ये ना हो जाए वो ना हो जाए वो इतनी प्रोटेक्शन हम देते हैं कि जब वो दुनिया के अंदर आते हैं ना उनको ये नहीं पता होता कि यार ये तो ये तो ये तो ज़िंदगी चल ही नहीं रही तो

आपके पास ने आपको जिस मोड पे लेके आया है यू नो कंसिडरिंग दैट यू आर वे यू आर एंड यू नीड टू यू वॉन्ट टू सेटल डाउन वाई लुक एट अदर पीपल हु आर मैरिड एंड देयर मैरिज इज ट्रबल्ड एंड दे हैव किड्स एंड दे के नॉट मूव एंड दे आर देर स्टक इन दैट सिचुएशन मैंने कहा आपके पास तो ये फ्रीडम है कि आपकी अभी शादी नहीं हुई यू वॉन्ट टू सेटल डाउन बट अल्लाह हैज़ गिवन यू ऑल द फ्रीडम राइट नाउ सो इंस्टेड ऑफ

A quote in my mind: mein hai, ke When you are grateful for what you have instead of being upset for what you deserve, life gets better. I will repeat that because it is so important. When you are grateful for what you have instead of being upset for what you don't or what you deserve, life gets better. Think about this. Ke मेरे मैं इस वक्त जहाँ पे बैठा हुआ हूँ अगर मैं ये देखना शुरू करूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं हैं आई एल ऑलवेज़ बी अपसेट आई एल ऑलवेज़ बी अपसेट आई एल ऑलवेज़ बी कि यार ये नहीं है लो इधर देखो उधर देखो तो वो कहते हैं देर इज़ नो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ये जो लोग रिटेल थेरेपी करते हैं ये जो लोग भाग भाग के चीज़ें खरीदते हैं और अपने आप को एक हैप्पीनेस का टीका लगाने की कोशिश करते हैं ये क्या कर रहे हैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए मोमेंटेरली अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो देर इज नो प्रस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हैप्पीनेस कम्स टू दोज पीपल हु रियलाइज वे दे आर एंड एंड सी वॉट द ब्लेसिंग्स दे हैव एंड देन ऑपरेट फ्राम देट माइंड सेट तो आ, हम इंसान हैं और हमें जिस ज़ात ने बनाया है उसने ये भी कहा कि जिस जब भी आ, अपनी इबादत का शुरुआत करो तो अल्हमदलिल्ला से शुरू करो अहमदल्ला है आलमीन इसका क्या मतलब है कि खालक हमें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है बी ग्रेटफुल ही इज़ द क्रिएटर ही नोज़ कि हम पैदा ही ना शुक्र हैं कि हमें जो मर्ज़ी भी मिल जाएगा ना मैं एक आपको एक मज़े का एक किस्सा सुनाता हूँ मेरा एक दोस्त है अल्लाह ने उसको बहुत पैसा दिया है ग्रेटफुलनेस की बात कर रहा करूँ ग्रैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ तो एक दिन वो मुझे मिलने आया और बहुत बड़ी गाड़ी थी बहुत बड़ी गाड़ी मैं गाड़ी का ब्रांड नहीं बताना चाह रहा बट लाइक मेरे ख्याल से लाहौर में शायद वो छः आठ दस ही होंगी शायद पूरे पंजाब में तो मैंने उसकी गाड़ी देखी मैंने कहा यार क्या बात है वो दरवाज़ा खोला तो उसके नीचे से जनाब वो ऐसे वो प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया पाए रखने के लिए अंदर बैठा तो मैंने कहा यार ये तो लग ही नहीं रहा कि आप गाड़ी में बैठे हुए तो उसने मुझे एक बात की ये एक बा इस बात को एक साल गुजर गया है उसने मुझे कहा कि अदनान मैं सोच रहा था कि ये छः करोड़ रुपया मुझे खुशी देगा बट आई वॉज रॉन्ग एंड ट्रस्ट मी वो वो दिन था कि मैं वो बात इंसान तो भूल जाता है लेकिन जब भी मैं अपने आप को पाता ना कि वन आई फाइंड माई सेल्फ कंप्लेनिंग मैं उसकी बात याद करता हूँ एंड आई एंड आई समाइम्स आई कॉल हिम अप एंड आई स्टिल एंड एन आई थैंक हिम फॉर वट ही सेट दैट डे बिकॉज हम स्ट्रगल कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ क्या मेरे पास ये नहीं मेरे पास वो नहीं है लेकिन जिसके पास अपेरेंटली सब कुछ है उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड है वो उछल कूद नहीं रहा वो किसी और चीज़ की जस्तजु में लगा हुआ है तो नाजरीन अगर हम ग्रैटिट्यूड और बीइंग ग्रेटफुल अगर हम शुक्र करना सीखें कि हमारे पास क्या है और अगर हम लिटरली देखें कि आस पास कि हमारे पास क्या क्या वट वाट आर द थिंग्स दैट आई एम थैंकफुल फॉर और ये माइंड सेट पता क्या है आई एम थैंकफुल इस वक्त ए सी चल रहा है और ये एसी बीच में थोड़ी देर के लिए बंद हो गया क्योंकि जब मैं बात कर रहा था तो लाइट चली गई तो वो कंप्रेसर ट्रिप कर गया तो मैं ये अब वो गर्मी में बैठा हूँ वो तीन चार मिनट लगते हैं कंप्रेसर के अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं लाइव सेशन ऑन करूँ या नहीं मुझे गर्मी लग रही है तो अब जैसे ही कंप्रेसर ऑन हुआ है टेम्परेचर नीचे आया तो एकदम मेरी सांस में सांस आया तो सोचने का अंदाज है कि अगर इंसान सोचना शुरू करे कि वाट कैन आई बी ग्रेटफुल फॉर इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस इट puts your frustration and it puts your uneasiness at ease. So think about this. Uske baad, nazareen, uh, then my next point on stress management is learn to evolve and learn to, to, to take every experience as a, as a moment of learning. एक कोट पढ़ा था जो कि मैं समझता तो हूँ मेरी ब्रेन पे टैटू वो बन गया उसका कि द मोर आई लर्न द लेस आई नो द मोर आई लर्न द लेस आई नो दुनिया के अंदर इतना विजडम अवेलेबल है इतनी हमत अवेलेबल है लेकिन हम में से कितने लोग जाके उसकी तहकीक करते हैं कितने लोग हम में से जाके सीखने की कोशिश करते हैं मुझे अपने ऊपर भी अफसोस होता है और मुझे अपने इर्द गिर्द और मतलब अफसोस है मुझे कि हम ये देख रहे हैं कि उसने सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे उसने क्या पहना हुआ है वो कौन सा बैग कैरी कर रहा है वो कौन सी गाड़ी चला रहा है वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है उसका घर किस तरह का है इस चीज़ के अंदर हम अपने आप को थका देंगे लेकिन जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है हमने ये नहीं देखना कि अगर मुझे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन हो रही है या मुझे ये तकलीफ है तो जो लोगों का विजडम है जिन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है जो जिन लोगों से हम कुछ इंस्परेशन लेके सीख सकते हैं वो क्या कहते हैं उस मौजू के ऊपर वो हमें किसी ने नहीं समझने की कोशिश करनी तो मेरा ये पॉइंट सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज लेट्स इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग इंस्टेड ऑफ सेल्फ पिटी कि मैं मर गया लुट गया पिट गया सेल्फ पिटी और कंप्लेनिंग जिंदगी में इंसान को कहीं नहीं पहुँचाती सिर्फ एक गड़ा है आपने लिए जो आप मेंटली खोद रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग इंस्टेड ऑफ़ सेल्फ पिटी लर्न टू इवॉल्व

आई मीन डू योर बेस्ट टू चेंज इट बट इफ़ यू स्टिल के नॉट चेंज इट दैन चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट सो इट्स इट्स ए ब्यूटिफुल कोट अगर आपको ये बात इसकी गहराई समझ आ रही हो कि हमें ये जो एक्सपीरियंसिस हैं इनसे सीखने की ज़रूरत है हमें अपने आप को इवॉल्व करने की जरूरत है हम ऐज में तो बढ़ रहे हैं लेकिन क्या हमारे अंदर विजडम आ रहा है क्योंकि इंसान का ओल्डर होना ज़रूरी नहीं कि वाइजर होएगा वाइज होने के लिए इंसान को अपने एक्सपीरियंसेस सीखना पड़ता है तो मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ कि जो मेरे पास के मामला हैं उसके अंदर क्या लेसंस थे वट वर माई टेक अवेज इन दैट आई ट्राई टू मेक इट अ हैबिट आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई एम इन्वाइटिंग यू टू ऑल्सो क्रिएट द सेम माइंड सेट के इंस्टेड ऑफ ड्रेडिंग अबाउट द एक्सपीरियंसेज इंस्टेड ऑफ़ अवॉइडिंग ऑल दिज एक्सपीरियंसेज जो चीज़ आ रही है जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं उसमें से सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि आप ज़िंदगी में उस विजडम को इस्तेमाल करते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग बेहतर कर सकें क्योंकि डोंट फर्गेट द लाइफ दैट वी आर लीडिंग वेयर यू आर यू आर एंड वेयर आई एम राइट नाउ इट इज़ ए कलमिनेशन इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसजन्स वी टेकन तो जो ज़िंदगी है ना वो कहते हैं कि डिसीजंस हमारी हैं जो जिन्होंने हमें यहाँ पे पहुँचाया है डेस्टिनी तो अपनी जगह होती है बट डिसीजंस का बहुत बड़ा रोल होता है नाजरीन तो ये बात आ, Uh, इसके साथ साथ मैं एक और बात भी करूँगा टेक ओनरशिप टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ जिंदगी में जब इंसान ओनरशिप लेता है ना तो uh, जब वो कहता है कि यार आई एम दी आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई विल डू वट एवर इट इट टेक्स टू फिक्स इट तो जब आप ये माइंड के साथ चलते हैं ना तो आप देखते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आनी शुरू हो जाती है कि जो आपको कॉन्सटेंटली इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है क्योंकि जब इंसान वही मैं बात करूँगा जब इंसान ब्लेम और सेल्फ़ पिटी की तरफ करता है ना कि जी उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया उसने ये कर दिया या अपने ऊपर अपने आप को डिप्रेस कर रहे हैं कि मैं मेरी तो किस्मत ही ख़राब है मैं लुट गया मैं पिट गया तो इससे कुछ हासिल नहीं होता तो जब इंसान अपनी जिम्मेदारी लेता है ना चाहे उस सिचुएशन के अंदर आपकी ज़िम्मेदारी ना भी हो दो मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई होगी ठीक है और दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया मुझे ये बताएं कि ये सिचुएशन कभी रिजॉल्व होएगी कभी भी नहीं होएगी बल्कि वो फर्दर ख़राब होगी चीज़ें और दूरियाँ और आएंगी लेकिन अगर वहाँ पर हम में से जो एक बंदा इनिशिएट करे कि यार मैंने इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए ओनरशिप लेनी है मैं ज़िम्मेदारी लेता हूं कि मैं ये इस सिचुएशन को ठीक करूंगा चाहे मेरा कसूर है या नहीं है तो ये बात समझना तो बड़ी मुश्किल है लेकिन जब आप इसको अपनी दिल की गहराइयों में उतार के इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे ना अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो जाएगी दैट इज़ माई गारंटी यू टी टू यू i have experienced this personally in my life and i'm sharing something very personal with you so nazreen do think about this and my second last point is about expectations jiske upar maine thodi si baat already kar chuka hu ke insaan expect जो इंसान expect करता है ना वो कभी खुश नहीं रह सकता ठीक है आ, uh, और ये ज़िंदगी में हमारे रोज़ के मामलात हैं कि हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको ये कहना चाहिए था उसको ये नहीं कहना चाहिए था उसको मुझे बुलाना चाहिए था उसने मुझे नहीं बुलाया उसको मुझे कॉल करना चाहिए था हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं ख़त्म होती और अगर हम जिंदगी में एक माइंडसेट बना लें कि हमने वी वी वांट टू बी एट द गिविंग एंड ऑफ द टेबल नॉट एट द रिसीविंग एंड ऑफ द टेबल इफ़ वी बिकम गिवर्स रादर दैन टेकर्स इफ़ वी एक्सपेक्ट लेस एंड गिव मोर वी विल बी इन अ मच मच हैपियर प्लेस तो वो कहते हैं एक्सपेक्टेशज द ग्रास रूट इज एट द ग्रास रूट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड अ लॉट ऑफ इंटरपर्सनल इशूज एंड एट द ग्रास रूट ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैन वी नीड टू मिनिमाइज आवर एक्सपेक्टेशज मच एज पॉसिबल आप आज ही अप्लाई करके देखें और पिछले हफ्ते की एक प्रैक्टिस करें देखें कि जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको ये करना चाहिए उसको वो करना चाहिए और वो नहीं किया और आप अपने अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं कि इट्स ओके यार मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो मुझे बुलाए बुलाएफ़तारी पे मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो मुझे कॉल करे मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता जैसे जैसे आप इसको अपने अंदर आ, अपने अंदर ये एक मसल को फ्लैक्स करते रहेंगे जब आप इसकी आदत डालते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा खुश रहना शुरू हो जाएंगे और नाजरीन मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जितनी हमने बातें की हैं पॉइंट नंबर वन से लेके पॉइंट नंबर सेवन तक तो इसको एज अ प्रोसेस ट्रीट करें नाजरीन प्लीज़ दिस इज़ माय पर्सनल अपील टू यू दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ नॉट एन इवेंट इट इज़ अ प्रोसेस इट इज ए इट इज़ अ रिचुअल दैट वी डू ऑन अ डेली बेसिस इट हैज़ टू बिकम अ डेली मंत्रा इट हैज़ टू बिकम आर फिलासफी इट हैज़ टू बी द वे वी ऑपरेट इन लाइफ इस वक्त ये बातें सुन के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा मैंने भी जब ये बातें सुनी थी तो मैं जब यह अपनी जर्नी शुरू की थी तो मुझे भी लगता था कि यार ये चीज़ें तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती लेकिन जब आप इनको अपने अपना एक जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर देते हैं ना ट्रस्ट मी दे स्टार्ट मेकिंग अ गे डिफरेंस आपको पता भी नहीं लगता लेकिन आपकी अप्रोच आपके एटीट्यूड के अंदर आपके एक्शन के अंदर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं और एक बोनस पॉइंट आप लोगों को दे रहा हूँ वो ये कि मैंने अपने फ़ोन के अंदर अपने फेसबुक के ऊपर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत से लोगों की जो इंस्पिरेशनल कोट्स हैं ना वो मेरी न्यूज़ फीड पे आ रहे होते हैं मैं बहुत से लोगों के साथ दोस्ती तो मेरी है लेकिन मैं फॉलो नहीं करता अनफॉलो कर देता हूँ बिकॉज मेरी न्यूज़ फीड के ऊपर मुझे पॉजिटिविटी चाहिए मैं ये देख रहा होता हूँ कि मैं आज क्या चीज़ नहीं सीखूँगा जिससे मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है तो वो दिन का एक कोट भी मैं पढ़ लूँगा ना तो उससे मुझे रिमाइंडर मिलता रहेगा कि नहीं यार आई नीड टू बी बेटर आई नीड टू बी द वन टू टेक ओनरशिप आई एम द वन हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ आई एम द वन हु हैज़ टू गिव पीपल आई एम द वन हु हैज़ टू बी द गिवर आई एम द वन हु नीड्स टू टेक अ ब्रेक फॉर माई सेल्फ आई नीड आई एम टू बी द वन हु नीड्स टू हैव कम्पैशन फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स तो नाजरीन मैं अपनी बात को यहाँ पर कंक्लूड uh, करूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये आपने हमने जो जितनी डिस्कशन किया आई होप दिस हैज़ मेड सेंस टू यू एंड लाइक अ सेट इन द बिगिनिंग कि ये कोई टेक्सट बुक डेफिनेशन नहीं थी ये वो पॉइंट्स मैंने जो निकाले हैं जो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी एक जिंदगी के जो कुछ सेलियन uh, फीचर्स के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर uh, कर रहा हूँ और एंड में ये मैं कहूँगा के अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें अपनी जब आप ये माइंड टूल्स को अपनी अच्छी न्यूट्रिशन के साथ पेयर करेंगे और अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे अपनी वाइटमिन्स खाएँगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी कि जो आपको ज़िंदगी के मामलत के अंदर चलाती रहेगी आपको एनर्जाइज करती रहेगी तो नाजरीन इसके साथ यू नो मैं थोड़ा सा सैड भी हूँ क्योंकि हमारा ये रिलेशनशिप आई थिंक द नेक्स्ट सेशन इज़ गोइंग टू बी आर लास्ट सेशन

अप ड्यू टू एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओके शीज मेकिंग कमेंट राबिया माय एडवाइस टू यू इज़ आपका जो जो स्ट्रेस है जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके देखो इट टेक्स टाइम डोंट एक्सपेक्ट कि आपने ए, एक प्रोसेस को अडॉप्ट किया है तो वो ओवरनाइट ही आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट के जितने मामला हैं ना ये एक दिमाग जो है ना ये इट्स लाइक अ मसल इट टेक्स टाइम और हम चूँकि जल्दबाज हैं हम इम्पेश तो हम एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मांगते हैं और हम चाहते हैं कि जी जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए वो नहीं आएगा तो इट जस्ट नीड्स अ लिट बिट ऑफ टाइम बट आई डू वॉन्ट टू अप्रीशिएट द फैक्ट दैट आपने ये चीज़ें अपने अंदर इनको फील किया है आई वुड से दैट यू आर अ लॉट मोर इन्लाइटन देन अ लॉट ऑफ पीपल आउट देर सो यू नीड टू अप्रीशिएट योर सेल्फ एंड आई सर्टली डू अप्रीशिएट यू फॉर डूइंग वॉट यू डन डू डू यू पर्सनल काउंसलिंग जी रब आई डू इफ यू यूट दैट यू कैन सेंड मी अर्सनल इन बॉक्स एंड आई विल टेक यू थ्रू सादिया कह रही हैं वालेकुम लिटिल ऑफ टॉपिक बट काइंडली क्लियर द मिसकनसेप्शन रिगार्डिंग वर्किंग आउट इन एयर कंडीशनिंग एंड हाउ मच स्वेटिंग हैज़ एनीथिंग डू विथ फैट लॉस शादिया स्वेट हैज़ नथिंग टू डू विथ फैट लॉस स्वेट इज़ जस्ट ए बॉडीज रिस्पॉन्स टूवर्ड्स इन दिनवामेंट टेम्परेचर तो उसके अंदर फैट लॉस का कोई ताल्लुक नहीं होता हाँ एक एम्बियंट टेम्परेचर एक्सरसाइज को जरूर होना चाहिए दैट शुड बी बिटवीन ट्वेंटी टू आइडियली ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी है तो आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं और uh, अगर स्वेट ज्यादा हो रही है और आपके पास ऑप्शन नहीं है तो देन कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड दैट इज़ अ गेम चेंजर वेदर यू आर स्वेटिंग और नॉट यू शुड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड तो सादिया जी आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन ऑल्सो वेरी पॉजिटिव अप्रोच टू वर्ड्स लाइफ गुड जॉब जी थैंक यू कमल कह रही हैं थरली इंजॉय इट थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन टोटली अग्री ओके दैट्स जस्ट अ कॉमेंट Best wishes. Thank you ji, baho shukriya aapka. Um, uh, Sadia kari, sometimes it's not even about expectation, it's to cope with personal losses and then trying to make your life as no normal as possible. That's. I do agree ji. I, I don't disagree. It's just um, tragedy is a part of life. I, I lost my uh, only sister at the tender age of 21 and I know how I still feel. So, मैं आई डोंट नो कि आपकी स्ट्रेजिडी क्या है बट आई नो वट आई लॉस्ट एंड इट्स नॉट वन डे दैट गोज़ बाय दैट आई डोंट थिंक अबाउट हर बट लाइफ हैज़ टू गो ऑन तो ज़िंदगी में इंसान जब अपने आप को टफन अप करता है तो उसने ये भी देखना है कि मैंने जिंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजारना है ख़ुशी से गुजारना है और लोगों को इस तरीके से गुजारना है कि लोग हमसे हम हम उनको पॉजिटिविटी दें ना कि हम उनको नीचे खींचें तो नाजरीन आ, इसके साथ मैं इजाजत मांगूंगा आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ़ योर टाइम एंड आई विल अप्रिशिएट कि आप इसके बारे में और फर्दर कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो ज़रूर दें आई विल बी एट सर्विस और uh, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे मुलाकात होएगी गाइज थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ़िज